इज अ लवली डे। आज का टॉपिक है आप लोगों का गुड हैबिट। आज का टॉपिक है आप लोगों का गुड हैबिट। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को गुड हैबिट के बारे में बहुत सी बातें बताई थी। आई होप आप लोग उसको फॉलो भी करते होंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ न्यू टॉपिक बताने जा रही हूँ, ओके? ध्यान से सुनिएगा और उसको घर में बैठ के फॉलो भी कीजिएगा। चलिए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। आज का फर्स्ट टॉपिक है ऑलवेज कंप्लीट योर होमवर्क। मतलब कि अपने घर के काम को हमेशा पूरा करें, यानी कि आपको जो भी होमवर्क मिलता है स्कूल में, मिस या सर जो भी आप लोगों को होमवर्क देते हैं ना कि इसको घर से बना के लाना है, तो आप उसको घर पे बैठ के बनाइए। नेक्स्ट, हैव ए प्ले टाइम। और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का खेलने का टाइम होता है। और खेलने के लिए भी मत एक घंटा ही, ओके? नेक्स्ट, कीप द पब्लिक प्लेस नीट एंड क्लीन। सार्वजनिक स्थान को साफ और स्वच्छ रखें। कीप द पब्लिक प्लेस नीट एंड क्लीन का मतलब होता है सार्वजनिक स्थान को साफ और स्वच्छ रखें। नेक्स्ट, हेल्प द ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ों की मदद करना। घर में जो भी होते हैं ना, बाबा हो, दादी हो, या बाहर में भी कोई बूढ़े मिलते हैं आपको, तो आप उनकी मदद करो। नेक्स्ट, डू नॉट सिट टू क्लोज टू टीवी। टीवी का मतलब होता है टेलीविजन। इसका मतलब होता है कि आप टीवी के बहुत पास ना बैठें, टीवी से जितना हो सके आप दूरी बना के बैठें, ओके? टीवी के पास बैठेंगे तो इससे आपकी आंखों पे इफेक्ट होगा, इसलिए आप जितना हो सके टीवी से दूर रहिए, ओके? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, अगली क्लास में। थैंक यू।